दोस्तों भारतीय टीम को मिल गया है डॉन ब्रैडमैन से भी खतरनाक खिलाड़ी। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्रिकेट के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक नाम शुमार है, वो नाम है डॉन ब्रैडमैन का। क्योंकि दोस्तों डॉन ब्रैडमैन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके औसत और उनकी पारियों के आसपास कोई खिलाड़ी भटक भी नहीं पाता। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम का एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि डॉन ब्रैडमैन के पास भी पहुंचा और उनसे आगे भी निकल गया, जिसे देखकर बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट हैरान है। खुद विराट कोहली, रोहित शर्मा भी इसकी पारियों को देखकर हैरान है, क्योंकि दोस्तों डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को टच करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में दोस्तों युवा बल्लेबाज सरफराज खान का रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन जारी है। सरफराज ने गुरुवार को मंगलुरु में जारी रणजी ट्रॉफी में फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ शतक जड़ दिया। 24 साल के सरफराज खान ने स्पिनर कुमार कार्तिकी की गेंद पर चौका लगाकर 190 गेंद में अपना शतक पूरा किया। रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में सरफराज खान का यह चौथा शतक रहा, जिससे आप इस खिलाड़ी के फॉर्म का अंदाजा लगा सकते हैं। सरफराज खान 134 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने गौरव यादव ने आदित्य श्रीवास्तव के हाथों उन्हें कैच करवाया। सरफराज ने 243 गेंदों में 13 चौके और 2 छक्के जड़े। ऐसे में दोस्तों इस फाइनल मुकाबले से पहले सरफराज खान 275, 63, 48, 165, 143 और 59 नाबाद की पारियां खेल चुके हैं। ऐसे में 8 पारियों में उन्होंने 923 रन बनाए 133 के औसत से, जो औसत अभी भी डॉन ब्रैडमैन के ऊपर माना जा रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय खिलाड़ी को क्या भारतीय टीम मौका देगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इन्हें मौका मिलना चाहिए? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।